सांप भी दिखने में देने लगे। आप बोल सकते हैं कि 2200 सीढ़ी है, महादेव नहाया करते थे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ अभी हमें इस तरफ जाना है और यहाँ से टाइम लगेगा आधा घंटे करीब, तो बस चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए आधे रास्ते में और यहाँ से सामने अभी मंदिर दिख रहा है जहाँ हमें जाना है, तो यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी होगी। तो रहन दो फिर। अगर यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे सिंह नजर आएगा। तो हम सभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस प्रकार का है। गाइस अभी चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का है। और आप झाड़ी देख ही पा रहे होंगे कितनी झाड़ी है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या बढ़िया था गुरु। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का गुरु है। गेट पर जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं और यहाँ से अभी हम अपने जूते पर खोल के जाएंगे क्योंकि जो यहाँ नियम है बहुत तगड़े हैं। मेहमान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उल्लंघन करके तो साथ भी दिखने में देर नहीं लगेगी। तो भाई अभी चलते हैं आगे और आपको जो कुंड है वो दिखाते हैं पहले, फिर आपको लास्ट में ले चलेंगे मंदिर में और आपको जो हिस्ट्री है वो भी बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या, तो ये जगह खास है। अब आए ना लाइन पे। तो भाई शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। म्यूजिक तो हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो भाई हम चलते हैं आपको मेन मंदिर दिखाते हैं और वहाँ की हिस्ट्री आपको बताते हैं किस प्रकार की। आप जो रास्ता देख रहे हैं अभी जो स्टेडियम बनी है और ये साइड में रेलिंग भी आपको देखने को मिली है, तो ये हाल ही में बना है। और यहाँ से आपको अभी मंदिर के तरफ जाते हैं, हम बताते हैं कि 2200 सीढ़ी है। तो भाई अभी चलते हैं ऊपर और आपको बताते हैं मेन मंदिर जो कैसा है। तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के दर्शन करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो गाइस आप ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई थी सीढ़ी अभी हम गिनती करते हुए आए थे, तो 2200 सीढ़ियाँ समथिंग है। और गाइस जो आपको कुंड में दिखाया था, आप सोचते होंगे कि ये कुंड में क्या खास बात है। एक तो वहाँ जो हिस्ट्री है तो उस प्रकार की हिस्ट्री है जो कि नापने की कोशिश की थी, और साथ में उसकी हिस्ट्री ये भी है कि वहाँ
स्वयं महादेव नहाया करते थे और फिर यहाँ की विराजमान हुआ करते थे इस मंदिर के बाद, जहाँ पर मंदिर बनाया गया है। अब यहाँ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता, मंदिर का निर्माण किया गया है। हाल ही में थोड़ा सा बेहतर बना गया, नहीं तो पुराने टाइम पे थोड़ा सा पुराना सा था। तो गाइस अभी चल आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, और जो यहाँ की हिस्ट्री है वो आपको गाइस जो यहाँ भी भक्तजन आते थे तो यहाँ की जो स्टोरी है, जो मंदिर में आते थे तो जब उनको यहाँ पर जो भी था प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था, जो उनकी इच्छा होती थी, किस प्रकार की उनकी इच्छा होती थी, या खीर खाने की होती थी या पूरी खाने की होती थी, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो वो जो यहाँ के मंदिर के बर्तन थे, तो भगवान महादेव की कृपा से उस बर्तन में कभी खाली नहीं होता था वो बर्तन, जैसे आपकी इच्छा होगी उस प्रकार का उस पर खाना आपको ऑटोमेटिक मिल जाता था। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरी इच्छा के अनुसार खाना मिलेगा, और दूसरा बंदा वहाँ पर जा रहा था उसकी इच्छा के अनुसार वहाँ पर खाना मिलेगा। यहाँ बाद में जो एक साधु आए थे जिन्हें यहाँ मंदिर में पहले स्नान करके यहाँ मंदिर में दर्शक किए, और जब वो खाने के लिए बैठे तो उन्हें जो खाने की इच्छा थी वो तो खाना खाया ही खाया, और बाद में जब उन्होंने खाना खा के जब बर्तन जूठे ही रख दिए और वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद भाई ये परंपरा बंद हो गई। यहाँ किसने बोला था, ले 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 सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। और उसके बाद यहाँ खाना वो अपने आप ऑटोमेटिक आना बंद हो गया। तो गाइस ये हिस्ट्री है, मेन महादेव मंदिर जो आपको बता रहे थे वो यही है, और यहीं पर जो हम महादेव स्नान करके आते थे तो इसी जगह पर अपना आसन ग्रहण करते हैं। तो गाइस अभी भी श्रद्धा लोग यहाँ आते हैं, इसी जगह पर पूजा पाठ करते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।